ये नजारा है दिल्ली में राजेंद्र नगर इलाके में उस जगह का, जहां कुछ दिन पहले यूपीएससी के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक बरसात का पानी भर जाने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे ने सबको दहला दिया था। इस तरह के हालात के बीच छात्र गुस्से से तमतमाए हुए हैं, लिहाजा उनका विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जोरदार बरसात और जलभराव के बावजूद ये किस तरह से हाथों में हाथ थामे हुए वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो में जो एक और हैरान करने वाली बात दिखाई दी वो ये है कि उस बड़े हादसे के बावजूद लगता है कि ना तो एमसीडी ने और ना ही स्थानीय प्रशासन ने कोई सबक लिया है। जिस राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में ये हादसा हुआ था उसी जगह पर अभी भी करीब करीब घुटने तक पानी जमा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले राव कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे ने लोगों का गुस्सा उफान पर ला दिया है। इस घटना ने जहां सबको झकझोर दिया तो वहीं इस पर छात्रों की नाराजगी भी सड़कों पर फूटती हुई दिखाई दी। हाथों में हाथ थामे हुए छात्र सड़कों पर जोर जोर से नारेबाजी करते दिखे। बताया जा रहा है कि छात्रों के इस तरह के आक्रोश को देखते हुए हादसे वाले दिन के बाद से ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं, जबकि इलाके में जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है। अलग अलग दलों के नेता इन छात्रों से मुलाकात करने आए, उन्हें शांत कराने के भी प्रयास हुए, लेकिन सारी कोशिशें लगभग नाकाम साबित होती दिखाई दी हैं। नाराज छात्र अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि इस तरह के कोचिंग संस्थान छात्रों से लाखों रुपए की मोटी फीस तो वसूलते हैं, लेकिन अपनी बदइंतजामियों के कारण वे छात्रों की जान दांव पर लगा देते हैं। साथ ही इलाके में बदइंतजामी और वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर भी वे नाराज दिखाई दिए। गौरतलब है कि दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक तेजी से पानी भरने के कारण वहां मौजूद छात्रों में से 3 की मौत हो गई थी। छात्र इसकी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद हालांकि दिल्ली एमसीडी भी हरकत में आई है, जबकि मांग की जा रही है कि कोचिंग सेंटर के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। दिल्ली पुलिस राव कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है, जबकि एमसीडी ने दिल्ली में अनेकों कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाइयां भी की हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।